लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट किया था। ये बेसिकली इंटीग्रेशन का एक मल्टीप्लिकेशन रूल ही है। इसमें आपको फंक्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। प्रथमेश, क्या स्ट्रक्चर है इसका, एक्सप्लेन करो एक बार। हाँ सर, अगर दो फंक्शंस f(x) इनटू g(x) उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ठीक उसे है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते ही उसका हाँ उसका देखो, एक स्टेप। पॉइंट समझने का ट्राई करो। वैसे तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही यूज करते हैं। लाइक सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज नहीं करते। यहाँ पे आप एक्स क्यूब को पुट करते हैं टी, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो तुम्हें मिलता है एक्स स्क्वायर, है ना। और फिर वो बनता है dt अपॉन 3, और फिर ये क्वेश्चन सिंपल बन जाता है 1/3 बाहर sin t dt, यानी -cos t। ठीक है, अभी है ये x into sin x, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज हो नहीं पाएगा क्योंकि आप कोई फंक्शन को t वगैरह पुट करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन बाहर नहीं मिलने वाला है। इस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रैक्टिस करोगे अपने आप से फीलिंग आ जाता है कि कहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर है दिस, ये स्ट्रक्चर क्या है बोलो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ठीक माइनस है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन। हाँ मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन। लाइक क्वेश्चन है दिस एक्स इनटू साइन एक्स डीएक्स। इसके लिए आपको एक लेट रूल भी बताया था, ILATE, राइट साइड वाले को हम लोग रखते हैं क्या, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। हाँ हाँ सेकेंड फंक्शन, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, फॉर एक्सपोनेंशियल। अभी है यहाँ पे x इंटू साइन x यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और x यानी कि एलजेब्रा। राइट साइड वाले को आप रखते हो सेकेंड फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को क्या रखोगे, सेकंड सेकेंड फंक्शन। तो ये x हो गया फर्स्ट फंक्शन। स्ट्रक्चर है दिस, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 1, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और फिर से इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन। ठीक हाँ इसको आप डिफरेंशिएट करते हो ना, यू विल गेट दिस एक्स साइन एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन था दिस एल एन एक्स, अगेन यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको स्टिक करना पड़ेगा 1। अगेन नहीं सोच पा रहे हो तो ये यूज कर सकते हो, बाकी तो ये समझ में आ जाता है ना कि क्या फर्स्ट फंक्शन रखना चाहिए। ठीक है, अगेन 1 इसको आप कंसिडर करोगे एलजेब्रा में, लॉगरिथमिक ये एल फॉर लॉगरिथमिक, राइट साइड वाला फंक्शन हम लोग रखते हैं सेकेंड। तो यानी एलजेब्रा यानी कि 1 को रखोगे आप सेकेंड, एल एन एक्स को रखोगे फर्स्ट, ये फॉर्मूला है अप्लाई इजीली इसका आंसर। काफी सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे सॉल्व हो गए थे, फिर आपको ये 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बोला था। ये हो गए क्वेश्चंस, हाँ वेरी सर। गुड, है ना। स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट है दिस टेन इनवर्स एक्स। अनूप एक्सप्लेन करो एक बार। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा, एक्सप्लेन करो। हाँ, 1 into 10 inverse x तो ये अप्लाई 1 इनटू 10 इनवर्स एक्स, फंक्शन है आपका इनवर्स और एलजेब्रा, इनवर्स आई एलजेब्रा ए। ठीक है, राइट साइड वाले को रखते हैं सेकंड फंक्शन यानी कि दिस। सेकेंड और 10 inverse x फर्स्ट फर्स्ट हाँ स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इनटू इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है बोलो। एक्स अपॉन 1 plus x x² को टी पुट करेंगे। अच्छा इसकी जगह पे क्वेश्चन ये हो, के प्लेस पे क्वेश्चन ये होता तो क्या करते हैं फिर, करेक्ट प्लस वन है, और ये माइनस वन फिर होता तो फिर, डिवाइड फर्स्ट। करेक्ट है, वेरी गुड। तो 1 plus x² t डिफरेंशिएट 2x dx, t का डिफरेंशिएशन dt, x dx इज dt अपॉन 2 और t यानी ln t। फाइनल आंसर क्या रहा है, x 10 inverse x टेन इनवर्स एक्स मैं माइनस हाफ एल माइनस हाफ एल एल एन टी टी है स्क्वायर। दिस, करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन था सेकेंड इनवर्स एक्स, सेम ही पैटर्न है, एक्स्ट्रा अप्लाई करो यहाँ पे कितना 1, दिस सेकेंड फंक्शन सेकेंड एंड दिस फंक्शन फर्स्ट स्ट्रक्चर है दिस, फर्स्ट फंक्शन
into integration of second minus first function का differentiation, second versus x का differentiation, one upon mod x square minus under root of x square minus one, second का integration और फिर से integration, ये कैंसिल, one upon this, ये okay है, मतलब ये पता होता है हम लोगों को, है ना? हाँ ठीक है, next question था this, x square ln x. तो वैसे तो समझ में आ जाता है, नहीं आ रहा है तो ये यूज कर सकते हैं लेट, ठीक है. राइट साइड वाले को सेकंड फंक्शन, यहाँ पे है लॉगरिथमिक और ए फॉर एलजेब्रा, तो ये होगा सेकंड एंड दिस फर्स्ट. स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन. तो ये हो गया अभी x cube upon 3 ln x minus का 1 upon 3, ये है x square और x square का integration x cube upon 3, मतलब बहुत ही यार सिंपल से क्वेश्चन है सारे ना. नेक्स्ट है दिस x e to the power x, अगेन दिस अभी एक्सपोनेंशियल और एलजेब्रा, राइट साइड वाले को सेकंड फंक्शन, यानी कि दिस सेकंड और दिस फर्स्ट. हाँ तो ये हो गया अभी फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, सेकंड का इंटीग्रेशन एज इट इज और फिर से इंटीग्रेशन. फाइनल आंसर क्या आ रहा है? पावर एक्स कॉमन इनटू एक्स माइनस वन, माइनस वन. लास्ट क्वेश्चन है दिस एक्स स्क्वायर इनटू द पावर एक्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाले अलजेब्रा, इसको सेकंड फंक्शन, दिस फर्स्ट फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन, ये जस्ट अभी फाइंड किया हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चंस में. मतलब इसके अंदर आपको फिर से वाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ये मीनिंग है ना. तो ये हो गया दिस, करेक्ट है. इसको तुम ये भी कर सकते हो ना, जैसे इसमें इनटू द पावर एक्स कॉमन, रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन. हाँ सही है ना, ये ई टू द पावर एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस टू आएगा, प्लस टू. तो सिंपल ही है, मतलब टफ तो कुछ है नहीं इसमें. कोई डाउट है तो बोलो. ओके, इसमें अभी कुछ फॉर्मूले और हैं ना, वो डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है. और ऐसा बहुत हाई फाई फॉर्मूले नहीं है, सीईटी के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूले, मेंस एडवांस सब में इम्पोर्टेंट है. बाकी सीईटी में तुम देखना, प्रीवियस ईयर में तुम्हें काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पैटर्न पे. इंटीग्रेशन है दिस ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, हाँ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ऐसे एक इंटीग्रेशन होता है दिस ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स. तो इसका फॉर्मूला होता है ये ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स. यानी एंगल तो यहाँ पे बी एक्स ही यूज हो रहा है, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a sin bx, a sin bx minus b cos bx. Okay, this formula है this e to the power ax upon a square plus b square a cos bx. तुम्हें समझ में आ रहा होगा, starting जो term है वो यही वाला term है, ठीक है. और cos वाले में आता है plus b sin b sin plus b. हाँ मतलब second जो है ना उसको आपको change करना है, like sin है तो cos और cos है तो साइन, साइन वाले में साइन है यहाँ पे माइनस और कॉस वाले में भी लोग यूज करते हैं प्लस. ओके ठीक है, लाइक क्वेश्चन है दिस e टू द पावर 2x प्लस 3 कॉस 5x माइनस 4 इंटीग्रेशन. यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा टफ होता है. बाकी ये एक्सप्रेशन आपको लर्न है तो फिर ये
वन स्टेप का क्वेश्चन है. सो आंसर, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं e टू द पावर ए एक्स. एक्स का मतलब ये हो गया ना, दिस वाला पोर्शन अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस 25 ए साइन बी एक्स. दिस ए एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट एड होता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है. तो ए साइन ए कॉस बी एक्स यानी टू कॉस 5x माइनस 4 प्लस का b साइन x माइनस 4. ये इसका आंसर है. एक्स्ट्रा कोफिशिएंट ऑफ x वगैरह डिवाइड जैसा कुछ नहीं करना, वो सब इसमें ऑलरेडी आ गया है, ठीक है. क्वेश्चन होता है दिस. अमान तुम बोलो इसका आंसर. सर ए टू द पावर माइनस 4x प्लस 3. ए टू द पावर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन 16 प्लस 4, ठीक है. ब्रैकेट 2 साइन. आराम से बताओ, कोई ऐसा मतलब ठीक बताना है तुम्हें. माइनस 4. हाँ माइनस 4 साइन 2x माइनस 3 ए साइन बी एक्स माइनस कॉस माइनस बी कॉस बी एक्स एंड बी इज 2x माइनस 2 ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स. ये इसका आंसर है फर्स्ट वन. इसमें कोई डाउट है बोलो. ओके इसको चेक कर लेते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट है, वोट्स में आता है, 5 marks का प्रूफ आता है. एक क्वेश्चन है दिस. I is equal to e to the power ax sin bx dx. Again, elate right side first function. अभी है यहाँ पे exponential and trigonometry. So second function will be first function क्या होना चाहिए बोलो. Sin bx. ठीक है. और ये है second function. Start करते हैं integration solve करना. I is equal to फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन. ये क्लियर? तो ये हो गया है अभी e टू द पावर एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉमन. और रिमेनिंग है दिस e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स. अगेन ये इसी फॉर्म में आगे फिर से लेट अप्लाई करते हैं. कई बार होता है यार है ना, आपको सेकंड टाइम भी अप्लाई करना होता है ये बाय पार्ट्स. ओके तो अगेन एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री. ये होगा सेकंड फंक्शन एंड दिस फर्स्ट फंक्शन. नाउ e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस का बी अपॉन ए फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है इसका? साइन माइनस का बी साइन बी एक्स. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज इनटू द पावर एक्स अपॉन
हाँ एंड दिस माइनस माइनस प्लस प्लस नेक्स्ट पेज पे आते So I is equal to e to the power ax upon a sin bx. ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर e to the power ax cos bx. bx. This minus, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे माइनस ये क्लियर ओके माइनस ये है b और अपॉन a और एक्स्ट्रा b अपॉन a और यानी b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर a square and this will be integration e to the power ax sin b और यही तो आई था इसी को सॉल्व कर रहे थे हम लोग और यूजिंग ट्रांसपोजिशन इसको लेफ्ट साइड लेके आया तो i कॉमन रिमेनिंग है 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर राइट साइड में e to the power ax कॉमन चलो कॉमन हो गया ना बाद में लेते हैं ना ये हो गया e to the power ax upon a sin bx minus b upon a square e to the power ax cos bx आई यहाँ पे LCM a square this is a square plus b square right side में a square LCM e to the power ax common और ये बनेगा b a sin bx minus का b cos bx this portion cancel cancel finally जो आपको prove करना है वो हो गया e to the power ax upon a square plus b square और remaining है this a sin bx minus b cos bx लिटरली कुछ भी नहीं है बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है बाकी और सब सिंपल है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन फिर यही स्ट्रक्चर फिर से एक बार रिलेट हो ठीक है ये फॉर्मूला बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट है बाकी इसका सॉरी ये प्रूफ बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट है बाकी इसका यूज नहीं होता इस प्रूफ का ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों में स्ट्रक्चर सेम स्टार्टिंग बाकी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही होता है साइन साइन यहाँ पे कॉस कॉस सेकंड चेंज हो जाता है ये साइन है तो दिस कॉस है तो दिस साइन साइन के केस में आप यूज करोगे माइनस और कॉस के केस में आप यूज करोगे प्लस बाकी यार देखो इसको अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग कुछ ट्रिक वगैरह बना लो इसको लर्न करने का तो वो बन जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है दिस साइन ऑफ ln x dx अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे बेस्ट रहता है कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना इसको पहले क्या पुट करो t तो ln x को t तो x इज इक्वल टू e टू द पावर t डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू e टू द पावर t dt और ये बन गया अभी e टू द पावर टी डी टी और यहां पे साइन टी टी अभी वही फॉर्म आ गया e टू द पावर एक्स साइन बी एक्स बी एक्स जानवी तुम बोलो क्या फॉर्मूला होता है इसका प्रथमेश क्या फॉर्मूला होता है e to the power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos cos bx करेक्ट
अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बोलो, e to the power ax upon 1 plus 1 और 1 sin t t minus 1 cos t plus c, where t is ln x, where t is ln x, e to the power ln x is x, तो फाइनल आंसर है दिस x upon 2 sin of ln x minus cos of ln x plus c. यार ये इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, टफ नहीं है, फॉर्मूला लर्न करके रखो हो जाता है ये क्वेश्चन। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, नेक्स्ट पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न है यार, ये तो पता होना चाहिए। अब जैसे देखो क्या है ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्टार्टिंग में तीन होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इन तीनों पे स्क्वायर रूट। और फिर इन तीनों को न्यूमरेटर में, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, वन अपॉन एट टेन इनवर्स सेकेंड दिस वन अपॉन टू ए एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, थर्ड वन बोलो 1 upon 2a x plus a upon a, x, sorry, a plus x upon a minus x. Haan, ln a plus x upon a minus x. This formula bolo. 1 up ln x plus under root x square plus a square. This expression. ln x plus under root x square minus a square. And this expression. Sin inverse. Sin inverse x by. ठीक है, अब इन तीनों को numerator में यानी कि इस तरीके से, ठीक है? ये फॉर्मूला एक बार देख लो यार, काफी इजी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे लम रखते हैं इस फॉर्मूले को, x अपॉन टू लिखना है आपको तीनों में, डन। हाँ अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना तुम्हें, इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, यहां तक ओके ठीक है। अभी प्लस ए स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर दिख रहा होगा, तो जहां पे प्लस है वहां पे प्लस लिखो ए स्क्वायर अपॉन टू, और माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, ये क्लियर? ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये पार्ट लिखोगे अभी, दिस के लिए ये पार्ट एंड दिस के लिए ये पार्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल एन x plus under root of x square plus a square, this bolo ln x plus under root x square minus a square, a square, and this sin inverse x by a। हाँ देखो फॉर्मूला लेंदी है लेकिन पैटर्न माइंड में रखोगे तो मुझे लगता है काफी इजी है इसको लर्न करना। x upon 2 same expression, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन टू, माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लिखना है आपको, लाइक फर्स्ट वन डिवाइड में होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आंसर आता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर आता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आता है, क्लियर? हाँ सर। ओके यार,
ये बहुत ज्यादा हाई फाई इंटीग्रेशंस नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशंस ही कंसीडर होते हैं क्योंकि ये इनके फिक्स फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, जहाँ पे स्टैंडर्ड चीजें हैं जिनके मेथड्स फिक्स हैं, मतलब वो इजी चीजें हैं। हाँ वो चीजें लेंथी हो सकती हैं, वो चीजें इजी है, लेकिन जिनके मेथड्स फिक्स हैं फिर जिनके फॉर्मूले फिक्स हैं। ओके ये नोट कर लो एक बार ना, क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ये सब बाय पार्ट से आता है। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लाइक एग्जांपल है दिस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डीएक्स। तो ये वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑलरेडी सॉल्व किया था हम लोगों ने, ये है रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म, दिस इज रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगेन तुम्हें वही परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ यानी कि दिस एक्स्ट्रा कांस्टेंट इज 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 यानी प्लस रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म देख लो कौन सा फॉर्म चल रहा है, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो वो फॉर्मूला लर्न नहीं है ना तो भी इजीली आंसर आता है, बस इतना पता होना चाहिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, x upon 2 सेम एक्सप्रेशन प्लस है तो प्लस, ये पूरा पोर्शन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर upon 2 और जो ln वाला एक्सप्रेशन होता था वही, ठीक है। x के प्लेस पे क्या यूज करोगे यहां पे, x plus 1 by 1 upon 2 तो डायरेक्ट विद इन वन लाइन आंसर, विद इन वन लाइन आंसर, x upon 2, x upon 2 सेम स्ट्रक्चर यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस बेटा, ये जो है ना ये वही है x square plus x plus 1 ही है, plus a square upon 2, a square यानी कि this पूरा upon 2 ln x के प्लेस पे क्या यूज करोगे आगे, x plus 1 by under root of x square plus x plus और plus क्या c। हाँ इसमें कुछ भी टफ है या कुछ भी टफ लग रहा है तो बताओ, बाकी नहीं होता है इसमें कुछ भी टफ नहीं है, क्या टफ है इसमें, जहां पे आपको अपना माइंड यूज नहीं करना पड़ रहा है ना, मतलब वो सब इजी है। माइंड यूज कहां पे नहीं करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, जैसे ये सब स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो, फाइव प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। अच्छा ये ऐसे भी आ जाता है यार ना, रूट लीनियर इंटू रूट लीनियर, रूट लीनियर इंटू रूट लीनियर यानी कि रूट क्वाड्रेटिक, तो वही इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, कितना कॉमन लोगे यहां पे बाहर 2, और ये हो गया अभी 5 अपॉन 2 प्लस x माइनस स्क्वायर x स्क्वायर, यहां पे माइनस कॉमन लेकिन उसको स्क्वायर रूट के बाहर ही लेके जाओगे तो जस्ट माइनस यहां पे, एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 5 upon 2, coefficient of x है यहाँ पे minus 1, इसका half करो कितना होता है बोलो, x minus 1 by 2 whole square, minus अभी भी बाहर ही है, extra constant is 1 upon 4 और ये हो गया minus का 1 upon 4, minus 5 upon 2 minus 1 upon 4, LCM 4, this is minus 10, minus 1 यानी कि minus 11 by 4,
और परफेक्ट स्क्वायर ऑफ माइनस रूट 11 अपॉन 2। अब इस माइनस को वापस अंदर अप्लाई कर दो, सेम वही है, कुछ भी नया नहीं है, जो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में था वही इंटीग्रेशन। रूट 11 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर डीएक्स। और इसका विद इन वन लाइन आंसर। रूट टू बाहर, ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखते हो आप एक्स अपॉन टू यानी कि दिस, देन पोर्शन एज इट इज, सेम पोर्शन पूरा एज इट इज, और ये पोर्शन है दिस। बेटा ये स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं है ना, रूट टू कॉमन आ चुका है वहां पे, तो ये है 5 अपॉन टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन टू एंड नेक्स्ट रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाय, हाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन प्लस सी। तो यार नहीं होता है इसमें, कुछ भी टफ नहीं होता है, बस ये स्ट्रक्चर माइंड में है तो हो गया क्वेश्चन। ओके ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यार इस तरीके से भी आता है ना, ये फॉर्म भी होती है। देखो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया था कल, लाइक 1 अपॉन क्यू रूट एल, इसमें क्या करते हैं बोलो, अंडर रूट लीनियर कोड स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट करते हैं, दिस 1 अपॉन टी को 1 बाय टी L को 1 upon T, और this इसमें different different patterns थे, एक pattern काफी simple ये था, इसका क्या solution है? X square common लेते हैं, X square common, यहाँ से भी X square common, फिर P plus Q upon X square को T square, ठीक है, अभी इसमें थोड़ा change है pattern में, और वो pattern है this। From L root Q. Q. This is same as L upon root Q. और L upon root Q में क्या करते थे बताओ? तीन numerator is equal to A times differentiation of denominator plus B. Differentiation of denominator plus B. Same वही है. इसमें क्वेश्चन करते हैं फिर next में start. क्वेश्चन है काफी सिंपल, दिस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11। अभी देखो एक पॉइंट और, आपको माइंड हमेशा ओपन रखना पड़ेगा, जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये होता फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जस्ट क्या पुट कर दो टी या टी स्क्वायर, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करते हो तो बाहर क्या मिलने वाला है आपको, एक्स मिलने वाला। हाँ तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, ऐसे की चीजें जस्ट लर्न करके बैठ गए। अभी क्वेश्चन है दिस, इसका यूज नहीं हो पाता है क्योंकि ये एक्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये है अभी एल रूट क्यू फॉर्म डन। एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, कितना आ रहा है बोलो, एक्स प्लस वन एंड प्लस एक्स्ट्रा कांस्टेंट बी, कंपेयर करते हैं, एक्स कंपेयर करो पहले, लेफ्ट साइड एक्स 1, राइट साइड एक्स 2a, कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड 0, राइट साइड ए प्लस बी, और यहां से फाइंड करोगे ए एंड बी बी, और फिर ये क्वेश्चन बन गया दिस, ए 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 प्लस का बी, और इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये क्लियर? यहां पे इसको पुट करोगे टी, तो ये पोर्शन क्या है? डी टी। और रूट टी का इंटीग्रेशन प्लस बी टाइम्स, दिस इज रूट क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर में क्रिएट करो, तो x प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा कांस्टेंट 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 11 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 45 अपॉन 4, यानी कि रूट 45 अपॉन 2 होल स्क्वायर, करेक्ट है? ठीक है, तो ये तो कर ही लेंगे यार ना, इसको लिख लेते हैं, चलो। तो प्लस का बी टाइम्स, क्या इंटीग्रेशन आने वाला है? एक्स अपॉन टू, सेम नंबर, प्लस है तो प्लस, अदरवाइज यहां पे माइनस है, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, देन इनवर्स इंटीग्रेशन एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, 11 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है, क्लियर? ओके। अच्छा, एक अपने आपसे प्रूफ करके देख लेते हैं, लाइक ये प्रूफ करना है आपको, दिस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अगेन सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे वन, क्या लगता है क्या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन रखना चाहिए? देखो ये फर्स्ट फंक्शन तो रख ही नहीं सकते यार, है ना, क्योंकि इसका फर्स्ट फंक्शन रखते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आएगा, इसका प्रूफ देख रहे बेटे हम लोग, ये बोर्ड्स में आता है ना, बाकी इसका यूज नहीं है। सो दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड इंटीग्रेशन, क्लियर? अभी क्लियर? हाँ सर। फिर से इंटीग्रेशन, दिस टू कैंसिल, ठीक है, न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर और इसको राइट करोगे विद दिस प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, फिर इन दोनों को सेपरेट, रिमेनिंग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ये क्लियर? नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, अभी दिस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक पोर्शन है दिस and this is minus minus plus a square or this, यही आई था ना, यही तो find कर रहे थे हम लोग starting, इसको using transposition left side i plus i 2i और plus a square, ये already पता होता है, this is ln x plus under root of x square, x plus under root x square plus, फिर ये 2 divide हो गया proof, ठीक है, okay, एक simple सा point यार ये mind में रखना है ना, जैसे ये question आता है कई बार, integration of sec cube x, integration of sec cube x, sec cube x, तो इसमें क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं लाइक दिस, sec x इनटू sec स्क्वायर x
इस sec x को लिख सकते हो दिस, बट आपका ये वही है ना, tan और sec square क्रिएट करना है, तो दिस sec x कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan square x, और अभी दिस tan x को क्या पुट करोगे बोलो, तो sec square x dx क्या बन गया, एंड दिस इज रूट ऑफ t square प्लस 1, और ये है रूट क्वाड्रेटिक. क्या आंसर आता है इसका, x अपॉन a सेम फंक्शन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस प्लस अच्छा इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 4, सेम एक्सप्रेशन है, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम एक्सप्रेशन है, मेथड सेम ही है, एक sec square x सेपरेट और एक sec square x को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan square x, और tan x क्या पुट कर दो बोलो, t, ये क्वेश्चन बन गया 1 प्लस t square और t, ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट जैसा कुछ है नहीं है ना, 1 का इंटीग्रेशन t, t square का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, sec क्यूब वाला मतलब ऑड पावर वाला बेसिकली, तो sec और sec स्क्वायर सेपरेट, sec स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है tan का, ठीक है, इस sec को लिखा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan को t, sec स्क्वायर dt, और ये हो गया अभी अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 dt, ये रूट क्वाड्रेटिक है ऑलरेडी पता होता है, मतलब अभी पता चल गया था एक्चुअली यहाँ पे. ओके, इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट पॉइंट, इनके अपने क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे, e to the power x fx plus f dash x, यार इसको समझना है ना, ये इंपॉर्टेंट है और लिटरली बहुत सिंपल है, e to the power x into fx plus f dash x, क्या लगता है ये किसके डिफरेंशिएशन से आ रहा होगा ये एक्सप्रेशन, ऐसा सोचो, प्लस है यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना चाहिए वहां पे, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है क्या लगता है, इनटू एफ डैश एफ ऑफ एक्स, हाँ ये एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन है, इनटू द पावर एक्स एफ एक्स का, और प्लस सी ये प्रोडक्ट, ये एज इट इज एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एफ एज इट इज, ई का डिफरेंशिएशन एज इट इज, ठीक है, एक तो पैटर्न दिस और एक पैटर्न है ये, f of x plus x f dash x, ये किसका डिफरेंशिएशन है वो x f of x, ये दोनों पैटर्न आपको अपने माइंड में रखने हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे आपको e to the power x बाहर दिखता है, अंदर साथ में दो फंक्शन होंगे एक दूसरे का डिफरेंशिएशन, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है e to the power x sin x plus cos x, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस नहीं करनी होती है यार, है ना, कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस नहीं करनी होती है, जस्ट इतना ऑब्जर्व करो कि एक फंक्शन e to the power x मल्टीप्लाई विद f of x और साथ में उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है यहाँ पे, इसका आंसर आता है e to the power x into original function, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा बोलो, sin x e to the power x into sin x, ये इसका आंसर, तो दिस f डैश, और फाइनल आंसर है दिस e to the power x sin x,
इसका आंसर बताओ। यही तो मैं सोचना है कि फंक्शन जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड में एफ लिखा हुआ है ना, एफ राइट साइड में भी आ सकता है, बस एफ और प्लस एफ डैश ऐसा होना चाहिए। करेक्ट है, ये कंप्लीट फंक्शन बनेगा अभी एफ। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। फाइनल आंसर दिस। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। देखो कई बार क्या होता है ना, आपको एज इट इज डिफरेंशिएशन नहीं मिलता वहां पे। जैसे ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, 5x। तो यहां पे 1 upon x प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 upon x एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। इससे हुआ क्या, ये मैनेज हो गया। ठीक है, अभी तुमने 1 upon x ऐड किया है, तो 1 upon x साथ में माइनस माइनस, और एक टर्म ये अवेलेबल था, ये प्रेजेंट था बेसिकली। ये स्टेप क्लियर हुआ? इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? अभी ये एफ है तो ये क्या लिखा हुआ है बोलो, एफ डैश। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। करेक्ट, तो ये एफ, ये एफ डैश, ये एफ, ये एफ डैश। फाइनल आंसर क्या रहा है बोलो, e to the power x ln x plus e to the power x into minus 1 by x. Correct है? e to the power x ln x e to the power x minus 1 upon x. एक क्वेश्चन ये आता है वैसे, तो इसमें क्या करते हो, साइड टर्म्स को मैनेज कर लेते हो आप। लाइक x स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन कितना दिखना चाहिए, 2x, रिमेनिंग कितना है बोलो, x माइनस 4। हाँ x माइनस 4, एक काम करते हैं x को सेपरेट करते हैं और x का डिफरेंशिएशन 1। अभी कितना रिमेनिंग है, 3 माइनस रिमेनिंग माइनस 5। हाँ बस ये इसका आंसर है। क्या आंसर आ रहा है बोलो, e to the power x, x square plus x or minus 5। e to the power x, x square plus bx plus c, इसका आंसर बेटे इसी फॉर्म में आता है। ये थोड़ा सा माइंड माइंड में रखना है ना, इसका आंसर इसी फॉर्म में आता है एक्चुअली। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, e to the power x, x square, याद है? तो इसको इजी मेथड से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, x square है साथ में कितना अप्लाई करूं, 2x apply, minus 2x। ठीक है, अभी प्लस 2x, तो फिर साथ में माइनस 2x, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2। अभी तक सब मैनेज हो गया है ना, माइनस 2 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे प्लस 2। इस क्वेश्चन खत्म हो गया, e to the power x, x square, यहाँ पे e to the power x minus 2x और यहाँ पे तो जस्ट 2। क्लियर? और यही आंसर आ रहा था। हाँ सर।
नेक्स्ट ये ट्राई करो. स्टार्टिंग में पुट ln x इज इक्वल टू टी टी. हाँ ये देखो बहुत सिंपल सा सजेशन है, जो लोग यहाँ पे मीटिंग ऑन करके जस्ट सो रहे हैं ना वो मीटिंग लीव कर सकते हैं. ऐसा कंटिन्यूस प्रेजेंट रह करके किसी को दिखाने का या शो करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रहा है. हाँ तो ये हो गया ln x is equal to t, x is equal to e to the power t, dx is equal to e to the power t. Now this is sin t plus cos t. Answer sin t. Sin t. T is ln x. Final answer is x sin of ln x plus c. Correct. इसका आंसर बोलो. e to the power x ln of ln x. ये f है तो ये जो राइट साइड वाला है ना ये क्या है इसका f dash. करेक्ट है. तो फाइनल आंसर इज दिस. नेक्स्ट ये ट्राई करो. एक्स्ट्रा इसमें e टू द पावर एक्स वगैरह कुछ है नहीं यार ना, नहीं होता है तो क्रिएट कर लेते हैं हम लोग एनी हाउ. जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ e टू द पावर एक्स वगैरह था क्या बोल? नहीं. लेकिन आप ln x को t पुट करते हो ना तो फिर e टू द पावर क्रिएट हो जाता है. वैसे ही कुछ यहाँ पे, ये मैं सोच रहा कि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है. मिसिंग मिसिंग कुछ भी नहीं है, सब ठीक क्वेश्चन है. करो ये अपने आप से ट्राई करो, देखते हैं क्या. यही पर्पस है इसको, आपको ये फॉर्म क्रिएट करना है, दिस फॉर्म क्रिएट करना है आपको.
चलो सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे, सोचो थोड़े दिमाग लगाओ, फॉर्म वही क्रिएट करना है एफ ऑफ एक्स साथ में उसका डिफरेंशिएशन। सर ओके दिस क्वेश्चन हो गया। हाँ सर बोलो सर। e टू द पावर टी मतलब एल एन एक्स को टी पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर टी, फिर dx is equal to e to the power t dt. In this question, बन गया अभी ln t plus 1 upon t square. We just अभी solve किया था हम लोगों ने, plus 1 upon t और minus 1 by t. फिर इसका आंसर आता है this e to the power t ln t plus और minus का minus का t e to the power t. 1 upon t. फाइनल आंसर टी है ln x, सो x इनटू ln ऑफ ln x माइनस 1 अपॉन ln प्लस सी, करेक्ट है। नेक्स्ट दिस बोलो, बेटा इस टाइप का स्ट्रक्चर काफी बार किया है हम लोगों ने, प्लस 1 और माइनस 1, बस इसको सेपरेट कर दोगे तो सेपरेट करोगे तो यही तो आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, वन अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये है f, तो दिस इज f डैश फाइनल आंसर e टू द पावर x ओ x प्लस अपॉन x प्लस 1। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं यार ये लिटरली, और ये आते हैं एग्जाम्स में, दिस देखते हैं। अगेन सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, एफ प्लस एफ डैश
तो ये है x स्क्वायर माइनस 15 और ये है x माइनस 3 होल स्क्वायर. माइनस 15 को एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं लाइक दिस, x स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 6 और फिर इसको सेपरेट. x स्क्वायर माइनस 9 इज x माइनस 3 इनटू x प्लस 3, x माइनस 3 कैंसिल, रेनिंग है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 और माइनस का 6 अपॉन तो ये हो गया माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर. थोड़ा माइंड में रखना है इन क्वेश्चंस को ना. ये है f, तो दिस इज f डैश. Final answer. A to the power x into x plus 3 upon x minus. Last question this. Karo apne aap se try karo ye question. I think दिख गया होगा. इसको ओपन करो क्या आएगा बोलो. x square plus 1 minus 2x. अब सेपरेट 1 upon 1 plus x square minus 2x upon 1 plus x square का whole square. Whole square. चेक करो एक बार डिफरेंशिएशन मैच हो रहा है क्या. डिनोमिनेटर स्क्वायर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेक्ट. तो दिस एफ तो दिस आंसर ई पर एक्स अपॉन 1 प्लस ये ट्राई करो. देखो ये क्वेश्चन सेम है दिस क्वेश्चन के, बिल्कुल सेम क्वेश्चन. ये x प्लस 2 होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो सेपरेट होगा नहीं, तो यहाँ पे काम करते हैं माइनस 4 और प्लस 4 और फिर इसको सेपरेट कर दो. x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 कैंसिल, रिमेनिंग है x माइनस 2 अपॉन x plus 2. Extra क्या remaining है? 4 upon x plus 2. Whole square. तो ये same question है this question के. This f to this f dash. Final answer. A to the power x into x minus 2 upon x plus 2. चलो इस pattern पे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो.
अगेन यार ये बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। अगेन यहाँ पे भी वही काम करना है, e to the power x f plus f dash सेपरेट करना है। वन माइनस कॉस डबल एंगल क्या होता है, टू साइन स्क्वायर, बस हो गया सेपरेट। भाई ये तो यही से देखो, a माइनस b अपॉन c माइनस d सेपरेट नहीं होता, लेकिन ये तो सेपरेट हो सकता है ना, a अपॉन सी डी माइनस b अपॉन सी डी। अब इसको सेपरेट कर दो तो वन अपॉन टू और वन अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर माइनस ये पोर्शन सेपरेट साइन एक्स अपॉन टू साइन स्क्वायर। अभी समझ में आ रहा होगा इस साइन एक्स को क्या यूज कर सकते हैं, टू टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, टू टू कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल और रिमेनिंग है जस्ट कॉट बाय टू। हाँ अभी f और f डैश आइडेंटिफाई करो जस्ट, cot x by 2 f नहीं विद माइनस साइन, ये पूरा क्या बनेगा अभी f f, तो ये क्या लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर, फाइनल आंसर e to the power x minus cot x by 2 प्लस करेक्ट। यहां पे वन प्लस कॉस होता है तो फिर इसको टू कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, है ना, ठीक है ये क्वेश्चन। चलो एक बार अपने आप से ट्राई कर लो इसको, अभी देखते हैं क्या आंसर आता है। वन प्लस कॉस एक्स टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल और फिर इसको सेपरेट वन अपॉन टू सेक स्क्वायर बाय टू, दिस इज टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल टू साइन हाफ टेन एक्स स्क्वायर, दिस एफ तो दिस, ठीक है हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट दिस ट्राई करो, एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर रूट है और एक्स प्लस थ्री सेपरेट।
ओके ये क्वेश्चन हो गया बोलो. This is square root of x e to the power x into x plus 3. देखो वैसे इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे मेथड्स हैं. जैसे एक तो इसको लिखा मैंने e to the power x upon 2 और ये root x आ गया अंदर तो ये बन गया x to the power 3 upon 2 plus 3 into x to the power x by 2 x to the power 1 upon 2 dx. अभी आपका जो फॉर्म होता है ना उसमें e to the power x होता है, x upon 2 नहीं होता. तो एक काम करते हैं पहले x upon 2 को क्या पुट कर देते हैं. ठीक. तो dx is equal to 2 dt. So this is e to the power t, 2 बाहर, ये dt and now this will be कितना x को पुट किया है आपने 2t. 2t पुट किया है 2t. So this is 3 to the power. A 3 root 2. 2 root 2 plus 3 root 2 or 3 to the power 1 by 2. 1 upon 2. Abhi just f or f dash observe karo ban rahi hai. देखो इसको डिफरेंशिएट करते हो ना 3/2 आ गया आएगा, 2 कैंसिल और फिर यहां पे माइनस में यानी कि 1/2. हां बनता है. दिस पोर्शन है f तो दिस पोर्शन डैश f आंसर 2 × e to the power t 2 root 2 t to the power 3/2. यानी 4 root 2 e to the power x upon 2 और x upon 2 to the power 3/2. 3/2 2 to the power 3/2 कितना होता है 2 root 2. तो cancel यानी 2 e to the power x upon 2 और x to the power क्लियर. ये क्वेश्चन ट्राई करो. दिस क्वेश्चन this second question ye try karta starting with sin is equal to t. साइन एक्स क्या पुट करोगे बोलो. आपको ई टू द पावर एक्स क्रिएट करना होता है, ये ई टू द पावर साइन एक्स है, नहीं हो पाता है ऐसे. तो साइन एक्स टी यानी कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी. अभी कॉस एक्स जैसा कुछ है नहीं इसमें ना, तो ये हो गया ई टू द पावर टी. dx के प्लेस पे लिखा आपने dt upon cos x और cos into cos square कितना हो गया बोलो. cubic.
cos cube, and this is x cos cube x minus sin. अब स्टार्ट करते हैं इसको t के फॉर्म में चेंज करना कंप्लीटली. सेपरेट ये कितना रिमेनिंग है? x and this is sin x upon cos cube x. x is sin inverse t. T. Sin x is t. तो cos square x कितना आएगा? 1 minus t. और ये बन गया 1 minus t square to the power 3. 3 by 2. हाँ ये करना, चलो आगे अपने आप से ट्राई करना इसको. ठीक है कुछ भी नहीं है वैसे तो इसमें. sin was t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 upon under root 1 minus x square. इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है वो? माइनस वन अपॉन टू आगे. माइनस वन अपॉन टू माइनस वन यानी कि माइनस टी बाय टू और माइनस टी स्क्वायर का माइनस टू टी. दिस टू माइनस सब कुछ कैंसिल, टी अपॉन दिस सेम आ रहा है. तो ये एफ है तो दिस इज ये जी है तो दिस इज फाइनल आंसर टी टू द पावर टी साइन इनवर्स टी माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर वेयर टी इज साइन एक्स. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, हो गया. बाकी देखो यार ये फोर क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है. ठीक है इसमें काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर दिस ये अभी ट्राई कर लो बस. बाकी थ्री क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, 1 2 3. तो ये अभी ट्राई कर लेते हैं. दिस इज एक्स अपॉन वन प्लस Six. अभी पॉइंट समझने का ट्राई करना. देखो आप अभी तक e to the power x fx plus f dash x ये फॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं. एक काम करते हैं ना, इसमें कुछ सिंपल ही कर लेते हैं. इसको देखे क्या फीलिंग आ रहा है, रेशनलाइज करना चाहिए इसको, देखे फीलिंग आ रहा होगा. तो ये हो गया 1 minus cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो नेक्स्ट स्टेप ये क्या बन गया, 1 plus x 1 minus cos x यानी कि sin square x. और फिर इसको सेपरेट करो. नहीं यार ऐसे नहीं हो पाएगा, वो कर गया. ये तो कंफर्म है यहाँ पे e to the power x फॉर्म तो नहीं बनेगा, क्योंकि e to the power x के लिए तो ln x वगैरह चाहिए आपको, वो है नहीं यहाँ पे. ये फॉर्म पॉसिबल है क्या, x f dash x plus f x?
सर वो ऊपर के 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x बाय 2 लिख के फिर नीचे के sin स्क्वायर x को वो 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 होल स्क्वायर फिर से बोलो एक बार दिस नेक्स्ट क्या करना है इसमें भी 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x बाय 2 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल देन और नीचे के sin स्क्वायर x को 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 होल स्क्वायर तो वो sin स्क्वायर x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर बेटा वो तो फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना हम लोग वो तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं दिस इज 1 plus cos x 1 plus cos x is 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल 1 plus cos x is 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल एक सेकंड So this is 2 cos square half angle, yani ki 1 upon 2 and now this will be sec square. x by 2. So yaar, ye question toh phir ye by parts mein chala gaya, ek question toh. Integration by? Parts. Haan, usme chala gaya question. Elite. Trigonometry aur algebra. Right wale function ko second function put karte hain. Toh this. Second. And this. First. ये तो वहां चला गया 1 upon 2 first function into integration of second समझ गया ना 1 upon 2 divide minus first function का differentiation 1 second function का integration this और फिर से integration integration of 10x क्या होता है ln mod sec x So now this will be 1 upon 2, ye 2 upar, this 10x upon 2, minus 2 bahar, or 10 ka integration ln. Again coefficient of x. Divide. Aur isko 2 andar multiply kar do abhi, to ye ho jayega x 10x upon 2. This 2 cancel, this 2 upar, yani ki 2 ln sec. Plus c. ये जो x वाली फॉर्म थी ना वो इसमें बनेगी इस क्वेश्चन में इसका मतलब ठीक है तो दिस क्वेश्चन दिस एंड दिस ये जस्ट 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए इसमें तो कुछ भी नहीं है 10 और 6 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 upon 1 plus हां तो वो प्लस कर देना माइनस कर देना हो गया आंसर खत्म इसमें सोचना x square plus x को t पुट करोगे इसमें ठीक है तो दीज 3 क्वेश्चंस ये जस्ट होमवर्क के लिए है बाकी जितना ही करता है ठीक है इंटीग्रेशन 97% हो गया है लास्ट पॉइंट है इसके अंदर दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन जैसे अभी तो हम लोग जस्ट इन्हीं के पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे थे बहुत सिंपल वाले नंबर्स के x - 1 स्क्वायर x + 1 स्क्वायर कई बार क्या डिग्री वगैरह सेम वगैरह नहीं होता है तो सबके लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं वो भी बहुत सिंपल ही कांसेप्ट है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसमें 30 मिनट्स प्लस लगेगा एक्चुअली तो वो बाद में करते हैं ठीक है इंटीग्रेशन का शीट शेयर करता हूं आज उसमें आपको क्या सॉल्व करना है वो भी अपडेट करता हूं ग्रुप में बाकी नोट्स वगैरह पढ़ के रखो नेक्स्ट टर्म पे पेपर डिस्कशन भी करना है ठीक है इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट समझ गए आप लोग है ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनेट के लिए 4-5 लेक्चर्स लगते हैं वो तो हो ही जाएगा इजीली तो इस मंथ में ट्राई करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए फिर एक चैप्टर रहता है प्रोबेबिलिटी और जो अपना छोटा हुआ है हाइपरबोला वो तो हो जाएगा थोड़ा नोट्स पढ़ के स्ट्रांग रखो नोट्स भी कर लेते हैं वरना इसमें तो बहुत है यार काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हर पैटर्न पे क्वेश्चन हो गया ओके चलो इसके अलावा कोई डाउट है तो इंडिविजुअल डिस्कस कर सकते हो उसमें कोई इशू नहीं है या मेरे को जस्ट व्हाट्सएप करना फिर हम लोग एक सेपरेट मीटिंग करके आराम से फेस टू फेस डिस्कशन कर लेंगे चलो फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं ना ये क्वेश्चंस करके आना यार ये तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें ये तो हो ही गया ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है ओके चलो फिर ओके बाय ठीक है मिलते हैं ओके